Welcome to my channel Meri Beri. Please like, comment, subscribe and share to my channel guys if you like it. So friends, हमने चौमिन के लिए वेजेस कट कर लिए हैं. सो मैंने यहाँ कट किए 1/4 कैबेज, 1 कैरेट, 2 ऑनियंस, 1 कैप्सिकम, 2 ग्रीन चिलीज, 1 गार्लिक क्लोव और कुछ पनीर के कटिंग्स भी किए हैं गाइस. और अब हम जा रहे हैं मैंचूरियन बॉल के लिए वेजेस कट करने और मैंचूरियन ग्रेवी के लिए वेजेस कट करने. सो फ्रेंड्स, ये हमने ग्रेट किया है मैंचूरियन बॉल के लिए और मैंचूरियन ग्रेवी के लिए. सो चौमिन के लिए हमने वेजेस को कट किया था और मैंचूरियन बॉल और मैंचूरियन ग्रेवी के लिए हमने वेजेस को ग्रेट किया है मिक्सी में और कुछ हैंड से हमने रफली चॉप्ड किए हैं. जैसे कि आप देख सकते हो, कैप्सिकम को हमने रफली चॉप्ड किया है, पनीर को हमने ग्रेट किया है, गार्लिक को भी हमने चॉप किया है रफली, कैरेट को हमने ग्रेट किया है, ओनियन को हमने रफली चॉप किया है और कैप्सिकम को हमने ग्रेट किया है. सो अब हम चलते हैं मैंचूरियन बॉल बनाने. गाइस, आप देख सकते हो मैंने एक मशन क्लॉथ में ये सारे अपने वेजेस डाल लिए हैं जो कि मैं बनाने वाली हूँ अभी मैंचूरियन बॉल सबसे पहले. सो मैं इसे स्क्वीज कर लूँगी और इसके एक्स्ट्रा वाटर जो है सारे ड्रेन आउट कर लूँगी. गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आप देख सकते हो किस अमाउंट में वाटर निकल रहा है, क्योंकि ये वाटर अगर रहेगा तो आपके मैंचूरियन बॉल्स टूटेंगे और आपके मैंचूरियन बॉल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे. सो आप इसे ड्रेन जरूर करें. सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने वेजिटेबल्स में से सारा पानी स्क्वीज आउट कर दिया है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो, 1 टी स्पून सोया सॉस और 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर जो कि पीसी भी लूंगी मैं, और इसे अच्छे से फिर मैश कर लेंगे अपने हैंड से. और गाइस, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी हम डालेंगे इसमें. ये मैं 4 लोग के हिसाब से बना रही हूँ इसलिए मैं इतनी क्वांटिटी में बना रही हूँ, और आप जितने लोग के हिसाब से बनाओगे उतने क्वांटिटी में ही इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करना. सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए और मैंने इसमें थोड़ा सा पनीर भी डाला है, मैं बताना भूल गई थी. सो गाइस, अब मैं इसे स्पून से पहले मिक्स कर लूँगी अच्छे से, उसके बाद हैंड की हेल्प से पूरे इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी. आप देख सकते हो मैंने इसे मैश कर लिया है और मैं आपको बॉल बना के दिखाती हूँ. सो गाइस, आप देख सकते हो मेरी बॉल न ज़्यादा लूज है न ज़्यादा टाइट है, और आप ऐसी ही बॉल बनाना. मेरी देख सकते हो आप, मेरी क्वांटिटी किस हिसाब से है, न ज़्यादा लूज न ज़्यादा टाइट, आपको ऐसी ही बॉल बनानी है और इसे फ्राई करना है फिर डीप फ्राई. सो गाइज, मेरा ऑयल अभी गर्म हो रहा है और इसके बाद मैं इसे डीप फ्राई करूँगी. सो गाइज, आप अभी देख सकते हो मेरा ऑयल गर्म हो रहा है और अभी ये गर्म नहीं हुआ है. आप चेक करने के लिए इसमें कुछ डाल कर देख सकते हो, ये ऊपर आ रहा है बट ये गर्म नहीं हुआ है गाइज अभी. सो मैं 5 मिनट्स और वेट करूँगी, उसके बाद अपनी बॉल्स को फ्राई करूँगी. सो गाइज, मेरा ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें फर्स्ट बॉल डालूँगी. सो गाइस, आप देख सकते हो मैंचूरियन बॉल गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं, अब हम ये निकालते हैं. सो गाइस, आप देख सकते हो हमारे मैंचूरियन बॉल रेडी हो चुके हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही यम्मी बने हैं, आप इसे जरूर ट्राई करें. सो फ्रेंड्स, मैंचूरियन ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, उसमें हम ऐड करेंगे जिंजर, ग्रीन चिली और उसे कुक कर लेंगे. उसके बाद हम ऐड करेंगे अपनी ऑनियंस, उसे भी हम अच्छे से कुक कर लेंगे गाइस. उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम जो कि हमने बारीक कट की थी, इसे भी हम अच्छे से कुक कर लेंगे गाइस.
इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी कैबेज, कैरेट, और इसे भी हम अच्छे से कुक कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून नमक, सॉल्ट, जो कि स्वाद अनुसार होगा, आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हो। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून विनीगर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, टमाटो केचप अपने स्वाद के अनुसार, उसके बाद ग्रीन चिली सॉस अपने स्वाद के अनुसार। और ये हमने एक पानी का मिक्सचर बनाया है, जो कि हमने लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और पूरा हाफ कटोरी फुल वाटर, और हम इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से अपने ग्रेवी में। सो गाइज, आप देख सकते हो हमारी ग्रेवी बहुत थिक है। सो, इसे हम थोड़ा सा पतला करने के लिए इसमें 1 से 1.5 ग्लास पानी डाल देंगे। सो गाइज, पानी डालने के बाद हमारी ग्रेवी कुछ इस टाइप की दिखेगी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिंग्स चाइनीज का मंचूरियन मसाला। ये ऑप्शनल है गाइज, आपका मन हो तो ही आप ऐड करो, मैं ऐड कर रही हूँ। इसके बाद गाइज इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसे ढक करके 5 to 6 मिनट अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। सो गाइज, आप देख सकते हो 5 से 6 मिनट्स बाद हमारी ग्रेवी कुछ इस टाइप की दिखेगी, थोड़ी सी ये थिक हो जाएगी और ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। जो कि मैंने कट किए थे स्लाइस में, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी गाइस। और अब मैं अपनी चौमिन, जो कि मैंने बॉईल कर लिया है, उसे ऐड कर दूंगी और गाइस ये मिक्स करूंगी मैं, तो अच्छे से ये हो जाएगा। अभी ये बहुत सारा है एक साथ, इसलिए ऐसा लग रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर और टमाटो केचप, ये आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। इसके बाद मैं ऐड करूंगी ग्रीन चिली सॉस, ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो गाइस। और फिर हम चौमिन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुक कर लेंगे, और हमारी चौमिन रेडी हो गई।